बर्तन रखिए जिसके अंदर आप पानी भर के रख दें। ये बेचारे जानवर ना बोल नहीं सकते, कैसे बताएंगे कि हमको प्यास लगी है, भूख लगी है। घंटी भी नहीं मार सकते कि कुछ खिला दो पिला दो, है ना। तो प्लीज़ इनके लिए एक बोल में पानी रख दीजिए और जो कुछ आप खाना दे सकते हो पानी के बगल में रख दो, खा लेंगे वो, है ना। बहुत अच्छा लगता है इन इन स्पीचलेस एनिमल्स का ध्यान रखने में। और मैं जो खाना बनाती हूँ ना, बिल्कुल डाइटिंग वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, मज़े से खाती हूँ। बहुत शौक है मुझे खाना बनाने का, और मैं बिल्कुल बहुत कम बाहर जाती हूँ। दवाइयाँ लेने गई अगर गई, या मेरे को जो मेरे कैट फूड है वो लेने गई, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती। मैं बहुत आराम से घर में बैठी हुई हूँ। देखो ये समय किसी के लिए नहीं रुका है और ना रुकेगा। तो हमने इस कोरोना से लड़ना है, इसको भगाना है, और अगर हम जितना घर के अंदर रहेंगे हम उतना ही इस कोरोना को जीत पाएंगे। तो रही बात, आप और मैं घर के अंदर रहेंगे, इस कोरोना को मार भगाएंगे, एनिमल्स का ध्यान रखेंगे और चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। प्रॉमिस। सो ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओके बाय। दिन में 3 दफ़े मेरे बाहर के बच्चे खाना खाते हैं और घर के बच्चे भी 3 दफ़े खाना खाते हैं, और आप मानेंगे नहीं, मुझे इतना सुकून मिलता है इनको खाना खिलाने में। मैं खड़ी होकर उनको देखती रहती हूँ कैसे खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू मी अ फेवर कि आप अपने घर के बाहर एटलीस्ट एक बर्तन रखिए जिसके अंदर आप पानी भर के रख दें। ये बेचारे जानवर ना बोल नहीं सकते, कैसे बताएंगे कि हमको प्यास लगी है, भूख लगी है। घंटी भी नहीं मार सकते कि कुछ खिला दो पिला दो, है ना। तो प्लीज़ इनके लिए एक बोल में पानी रख दीजिए और जो कुछ आप खाना दे सकते हो पानी के बगल में रख दो, खा लेंगे वो, है ना। बहुत अच्छा लगता है इन इन स्पीचलेस एनिमल्स का ध्यान रखने में। और मैं जो खाना बनाती हूँ ना, बिल्कुल डाइटिंग वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, मज़े से खाती हूँ। बहुत शौक है मुझे खाना बनाने का, और मैं बिल्कुल बहुत कम बाहर जाती हूँ। दवाइयाँ लेने गई अगर गई, या मेरे को जो मेरे कैट फूड है वो लेने गई, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती। मैं बहुत आराम से घर में बैठी हुई हूँ। देखो ये समय किसी के लिए नहीं रुका है और ना रुकेगा। तो हमने इस कोरोना से लड़ना है, इसको भगाना है, और अगर हम जितना घर के अंदर रहेंगे हम उतना ही इस कोरोना को जीत पाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? घर के अंदर बैठे हैं ना, वेरी गुड। देखो मैं भी घर के अंदर बैठी हूँ। हाय, मैं हूँ दिव्य ज्योति शर्मा। हैप्पी रमदान टू यू ऑल। तो फिर मुझे बताइए कैसे कट रहा है समय? मेरा तो भाई बहुत अच्छा समय कट रहा है। मेरे पास तो इतना कुछ है करने के लिए, भगवान ने मुझे ये मौका दिया है। मुझे क्या, आप सबको ये मौका दिया है? भैया ये टाइम तो वापस नहीं आने वाला। ठीक है, डेंजरस है, इस कोरोना ने तो हमारी बैंड बजा दी, तो भाई ठीक है ना, आगे से चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमने लेना ही नहीं है, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। खाना बनाती हूँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। उसके बाद मैं सफाई का, मुझे बहुत शौक़ है तो वो भी करती रहती हूँ। और इन सबसे ऊपर मुझे एनिमल्स का बहुत शौक है। तो मेरे घर के अंदर 2 प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं, तारा और सुल्तान, और बाहर 4 बिल्लियाँ हैं और 2 कुत्ते और 2 कौवे। सुबह सुबह उठ के मैं अपनी बिल्लियों को और कुत्तों के लिए खाना रखती हूँ और वो खाना खाते हैं। दोपहर को कौवे आते हैं, वो काँव काँव करते हैं, उनको मैं खाना देती हूँ। दिन में 3 दफ़े मेरे बाहर के बच्चे खाना खाते हैं। और प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।